नमस्कार, मैं हूं एसएस पांडे। सबक्रियर में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर राधेश्याम पैलेस में भोजपुरी फिल्म उड़ल ओढ़निया प्यार में की शूटिंग देखने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी जिला जौनपुर के महामंत्री रामविलास पाल ने सबकी नजर से बातचीत के दौरान कहा कि बड़े गर्व की बात है कि मुगराबाद शाहपुर के राधेश्याम पैलेस में भोजपुरी फिल्म उड़ल ओढ़निया प्यार में की शूटिंग चल रही है। मैंने भी शूटिंग की कुछ झलकियों को देखा, इससे यही लग रहा है कि यह फिल्म पारिवारिक होगी। एक सवाल के जवाब में जिला महामंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में इस देश को गौरवशाली बनाने में मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है और फिल्म सिटी को भी बढ़ावा दे रही है। वहीं भाजपा नेता पायलट ऑफिसर पूर्व अपर महानिदेशक भारत सरकार राधेश्याम पांडे ने फिल्म की शूटिंग देखने के बाद सबकी नजर से बातचीत के दौरान कहा कि मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि मुगराबाद शाहपुर की धरती को देश के कोने कोने पर पहुंचाने के लिए अगर लोग आकर्षित हैं और यहां पर आ रहे हैं तो हमारा परम सौभाग्य है कि उनसे मिले, उनका उत्साह वर्धन करें। पायलट ऑफिसर ने कहा कि फिल्मी दुनिया के लोगों को यहां आने से क्षेत्रीय लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलता है। राधेश्याम पैलेस के प्रोपराइटर राजेश पांडे ने कहा कि उड़ल ओढ़निया प्यार में की शूटिंग को देखने पहुंचे भाजपा पदाधिकारियों सहित तमाम लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सर्वेश तिवारी की खास रिपोर्ट। इस समय हम खड़े हैं राधेश्याम पैलेस में और यहां पर शूटिंग चल रही है उड़ल ओढ़निया प्यार में, और उस शूटिंग को देखने के लिए आए हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री रामविलास पाल जी। आइए आपसे बात करते हैं। पाल जी, आज आप उड़ल ओढ़निया प्यार में जो शूटिंग चल रही है उसको आप देखने आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, और अपने मुगराबाद शाहपुर जौनपुर की तमाम सीन आप ले जा रहे हैं, देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। हमारा बहुत ही आपके प्रति धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत शुभकामना। प्रदेश और केंद्र में आपकी सरकार है और आपकी सरकार फिल्म लाइन को ज्यादा जो है प्रोत्साहन दे रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारी सरकार हर क्षेत्र में इस देश को गौरवशाली बनाने में काम कर रही है, माननीय मोदी जी की सरकार, और फिल्म सिटी को भी, फिल्म उद्योग को भी प्रोत्साहन देने में आगे चल रही है। इसी कड़ी में राधेश्याम पैलेस में खड़े हैं राधेश्याम पांडे जी, जो पायलट ऑफिसर हैं, पूर्व अपर महानिदेशक भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता। आइए आपसे बात करते हैं, आप फिल्म की शूटिंग देखने आए हैं, कैसा लगा आपको पांडे जी? मैंने सुना कि उड़ल ओढ़निया प्यार में किस फिल्म की शूटिंग जौनपुर जिले से और अन्य भाग से पृथ्वी के लोग यहां आए हुए हैं, तो हमें इतना अपार हर्ष हुआ कि मुगराबाद शाहपुर की धरती को पूरे विश्व के कोने कोने पर पहुंचाने के लिए अगर लोग आकर्षित हैं और यहां पर आ रहे हैं, कि हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे लोगों के विषय में मिलें, उनके विषय में जानकारी करें कि करना क्या चाहते हो। तो मैंने यहां पर देखा कि यहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, कहीं हो रही है, तो बहुत अपार खुशी प्राप्त हुआ। और ये यहाँ से सीन, यहाँ के संस्कार, यहाँ की संस्कृति के विभिन्न जगह पर पहुंचाएंगे, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। और हमें ये भी है कि ऐसे लोगों के आने से यहाँ क्षेत्रीय लोगों को रोजगार भी मिलता है, क्षेत्रीय लोगों को तरह तरह की रोजगार और उससे जो है उनका आय भी होता है। इस तरह से अगर लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि इन लोगों को तरह तरह की सुविधाएं दें, इनको प्रोत्साहित करें और इनको किसी भी तरह का कष्ट न होने दें। ऐसा आकर के हमने यहाँ जो डायरेक्टर उगिया जी से मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि यहाँ हमें कोई तरह की असुविधा नहीं है और यहाँ हमें घर जैसा प्यार मिल रहा है। इस तरह के प्यार की बात को देख के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस तरह के भी लोग हैं, कि इस राधेश्याम पैलेस में जो आज हमारे क्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट पैलेस है, और ये हमारा सौभाग्य है और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इस जगह आकर के इस तरह की शूटिंग हो रही है। और इस पैलेस को देने के लिए जिन्होंने दिया है, हमारे नाम के राधेश्याम पांडे जी, उनके नाम पर ये विख्यात है, और ये हम उनकी आत्मा को, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पांडे जी, आपके इस पैलेस में जो शूटिंग चल रही है उड़ल ओढ़निया प्यार में, उस शूटिंग को देखने के लिए जिला महामंत्री रामविलास पाल जी आए भारतीय जनता पार्टी के, और राधेश्याम पांडे जो पूर्व अपर महानिदेशक भारत सरकार के पद से अभी रिटायरमेंट हुए हैं, वो आए, क्या कहना चाहते हैं? हम इस क्षेत्र के विशेष व्यक्तियों के आने से हम अपने को खुद गौरवान्वित समझते हैं, और हम आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारे यहाँ आए।
इसके लिए हम आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से भारत सरकार के पूर्व अपर महानिदेशक राधेश्याम पांडे जो पायलट ऑफिसर हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री रामविलास पाल ने कहा कि मुगरा बादशाहपुर का विकास होगा, ऐसे जो फिल्म की शूटिंग हो रही है इससे मुगरा बादशाहपुर का विकास होगा। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं SS पांडे, राधेश्याम पैलेस, मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर।